अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। जौनपुर में दो दिनों के भीतर हत्या की दो बड़ी वारदात। जौनपुर में महिला की गला काटकर हत्या, घर में सो रही महिला की हत्या के बाद सिवान में फेंका शव। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के भरेठी गांव में घर में सो रही महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई और घर के बाहर सिवान में उसका शव ट्यूबवेल के पास बरामद हुआ। ग्रामीण जब प्रातः मॉर्निंग वॉक पर निकले तो महिला का शव पड़ा देखकर सनसनी फैल गई। उक्त की पहचान लालता राजभर की पत्नी दिला के रूप में हुई, जो लालता राजभर की बेवा थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया और आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस उसी गांव के दो संदिग्धों को लेकर पूछताछ भी कर रही है। महिला की हत्या प्रेम प्रपंच में की गई अथवा जमीन संबंधी विवाद में, यह जांच के बाद पता चल जाएगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए जांच कर रही है और घर पर आए दिन बैठने वाले दो संदिग्धों को लेकर पूछताछ भी कर रही है। जमीन विवाद को लेकर जौनपुर में दो लोगों की हत्या। युवक ने अपनी चाची व रिश्तेदार को उतारा मौत के घाट। सिंगरा मऊ थाना क्षेत्र के मल्लूपुर गांव में नीतीश यादव का अपनी चाची प्रतिमा देवी से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। कई बार सुलह समझौते की कोशिश हुई लेकिन समझौता नहीं हुआ। उसकी चाची के पिता जो रिश्ते में इसके नाना लगते थे, कृपा शंकर यादव निवासी सरौली थाना महाराजगंज, घर पहुंचे एवं दोनों पक्षों को बैठाकर सुलह समझौता की बात करने लगे। उसी दौरान आवेश में आए नीतीश यादव ने अपने रिश्ते में लगने वाले नाना एवं चाची प्रतिमा देवी गोली मार दिया। मौके पर दोनों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया है एवं आवश्यक देश प्रदेश एवं जौनपुर जनपद की खबरें प्रमुखता से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।